सरकार या सरकार के नुमाइंदों की नीति और नियति इस चीज से पता लगती है कि घटना होने के बाद उनका बयान क्या है। बल्लमगढ़ में जितने घोटाले हुए, सबसे पहले ये सीएम अनाउंसमेंट है 24 मार्च 2015 की 15 करोड़ की। ये काम कितने के हुए, कितने के नहीं हुए, इनकी पेमेंट तो हो ही गई। जो सतबीरा सातवीं कंस्ट्रक्शन था, जिसको सीएजी ने भी मोहर लगा दी है कि बिना काम के पेमेंट हुई है, और बल्लमगढ़ से हरियाणा सरकार में मंत्री जी भी हैं, नुमाइंदगी करते हैं पूरे शहर की, और इतने काबिल मंत्री हैं, एज ए माइनिंग मिनिस्टर हरियाणा की चेकिंग करने जाते हैं और यूपी वालों की भी चेकिंग करके आ जाते हैं। हरियाणा की हो ना हो, जमुना पार यूपी की चेकिंग जरूर करके आते हैं, पर बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं, अपनी विधानसभा को पीड़ित छोड़ रहे हैं। उनकी विधानसभा में ये 15 करोड़ तो गए। उसके अलावा अभी हमारी रिसर्च टीम ने सिर्फ 2 वार्डों की डिटेल निकाली, वार्ड नंबर 38 और 40, जिसके अंदर सारे ठेके 5,04,81,000 4,91 के थे, और तकरीबन हर ठेका 1 करोड़ तक पहुंचाया गया। टोटल 36 काम है ऐसे, जिनकी मैं पूरी पीडीएफ फाइल आप तक उपलब्ध करा दूंगा। और सबसे हैरानी की बात, ये सारे काम 28/11/2018 को शुरू हुए और 27/12/2018 को खत्म हो गए। 1 महीने के अंदर आपकी विधानसभा के 2 वार्डों के अंदर 35 करोड़ रुपया साइफन हो गया, जनता का चला गया, और आपको पता नहीं लगा। नहीं कहा बल्लभगढ़ में एक का हुआ, दो का, मैंने कहा बल्लभगढ़ में उसके 80 करोड़ के काम हुए हैं, बाकी 120 करोड़ के और विधानसभा में हुए हैं। बल्लभगढ़ में हो सकता है, हम कौन मना कर रहा है, जो काम हुए हैं ज्यादा तो हो सकते हैं। घोटाला एक का हुआ, 200 करोड़ में कितने का घोटाला हुआ, 2 करोड़ का हुआ, 4 का हुआ, 10 का हुआ, 20 का हुआ, 5 हजार, वो खुलासा होनी चाहिए ना भाई, 200 करोड़ में कितने घोटाला हुआ। काम से मतलब ये नहीं है, काम हुआ है, वो कह रहे हैं कि बिना काम पेमेंट सबसे ज्यादा बल्लभगढ़ में हुई। भाई हो सके काम किया तो पेमेंट अधिकारी ने खिलाफ कार्रवाई है, बिना काम जो नहीं, जिन अधिकारी ने पेमेंट नेता दी नहीं, पेमेंट दी होगी, अकाउंट वाले दी होगी, अधिकारी ने दी, वो जाँच हम करा रहे हैं, हम जाँच करा रहे हैं, और जाँच पे भरोसा रखिए। हम मूलचंद शर्मा अपने जीवन में इतना पवित्र है जितना अपने, ये तो कोई नहीं मारेगा विश्वास आदमी। अरे कहा माइनिंग का मूलचंद शर्मा जी, मैं हरियाणा के किसी भी को चेक कर सकता हूँ, मैंने माइनिंग को जहाँ 1200 करोड़ के 1600 करोड़ के 10 साल था, मैंने 4600 करोड़ करा 9 साल में, और मेरा टारगेट अगले वाला 1500 करोड़ में पहुँचाऊंगा इस साल के टारगेट को, मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है। वैसे आपको नारियल फोड़ने का इतना शौक है, दूसरों की विधानसभाओं में भी जाके फोड़ते, इलेक्शन मिनिस्टर रहते हुए सरेआम चुनाव की आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते, पीछे पन्ना प्रमुख सम्मेलन किया, आपके यहाँ कम से कम 2000 पन्ना प्रमुख हैं, आप उनको अपनी वोटों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जनता को क्या आप जनता के पैसों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि बल्लमगढ़ के अंदर 2000 वर्क ऑर्डर भी हुए होंगे 9 साल, आप एक एक पन्ना प्रमुख को एक एक वर्क ऑर्डर ही दे देते। आप जब उनको 100-100 वोटों के पीछे लगा सकते हो, उनको भोजन पानी करा सकते हो, भव्य सम्मेलन करा सकते हो, और कसम से वो वोट के लिए खुश होते या नहीं होते, ये मैं दावे से कह रहा हूं, अगर जो उन पन्ना प्रमुखों को मंत्री जी अब भी एक एक वर्क ऑर्डर दे दें कि भाई जैसे आप 100 घरों में जा रहे हो, सिर्फ इस एक वर्क ऑर्डर को जाके चेक कर लो कि क्या ये मौके पे काम हुआ है, इस काम की पेमेंट हुई है नहीं हुई है। मंत्री तो पूरे हरियाणा का नया टीम बल्लभगढ़ का, मैं हरियाणा का मंत्री हरियाणा में करूंगा, जब कोई मुख्यमंत्री जी ने कहा है मुझे दायित्व दिया है, उद्घाटन की चीज है क्या विधायक जी ने सर, वो विधायक जी पूछना श्याम को क्या चीज है, उद्घाटन मैं कर सकता हूँ, हरियाणा में छोटा भाई है, भाई को पता है राज चलाया उनने, पिताजी के समय राज चला, पता होगी हरियाणा का विधायक एक जो काम करता है तो उसी के जाता है। 184 करोड़ में से बल्लमगढ़ विधानसभा का कितना पैसा सतबीरा के अकाउंट में गया, उसकी मंत्री जी एक एक पैसे का जनता को हिसाब कराए,
एक आम आदमी को पुलिस पकड़ ले, उसने 2000 रुपए चोरी की हो, पुलिस उसकी सात पुश्तों तक पहुंच जाती है। और आज तक सतवीरा के खाते से कितनी गाड़ियां खरीदी गई, मर्सिडीज कहां है, फॉर्च्यूनर कहां है, इनोवा कहां है, सिर्फ 2-3 गाड़ियों की बरामदगी दिखाई गई है, बाकी गाड़ियों का पैसा कहां गया, वो गाड़ियां कौन इस्तेमाल कर रहा था, वो गाड़ियां कहां गई, ये भी मंत्री जी की जवाब। और हमने कभी भी किसी गाड़ी का न पुरानी ली, न हम किसी ठेकेदार किसी नहीं ली, जो आदमी कहते हैं हम गाड़ी नहीं करते, हम पे गाड़ी है अपनी है और भगवान की कृपा है, कोई ऐसा नहीं है कि हम पे कारोबार व्यापार सब है। तीसरा, उन्होंने कहा जी यात्रा करिए, मेरे परिवार, मेरे भाई, मेरी भाभी, आज तक हम विदेश यात्रा में गया हूँ तो अपनी मंत्री में अपने बैंक में से गया हूँ, तो विदेश यात्रा नहीं गया, ये तो कह सकते हैं टिकट है, मेरे पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट पर तो हर एक ठप्पा लगता है, और मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को तो राजनीति क्षेत्र में लेना ही नहीं, मेरे 2 भाई, मेरे भाई की जहाज में नहीं बैठा, इस तरह के आरोप लगाना, इस तरह के मनगढ़ंत लगाना, ये किसी के लिए ठीक नहीं है, ना अपने लिए ठीक, ना उसके लिए। हाँ, मेरे जहाज की टिकट बता दे, मेरी गाड़ी बता दे, जाने गाड़ी उनके नाम बता दे, जहाज की टिकट बता दे, मूलचंद शर्मा के नाम ठेका बता दे।